इस वक्त ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट ज्योति मैल जी हमारे साथ मौजूद है। ज्योति जी, जिस तरीके से हमने देखा है मालदीव्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन रहा है घूमने के लिए, टूरिस्ट वगैरह के लिए, लेकिन जिस तरीके की तल्खी अभी देखने को मिल रही है, वहां से कुछ टिप्पणी होती है, यहां से उसका कुछ जवाब देने की बात करते हैं, तो क्या एक डाउन सेटिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है? क्या लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, इस तरीके का कुछ ट्रेंड? देखिए, ये तो लॉन्ग टर्म है, यू नो, व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस लोगों को धीरे धीरे अफेक्ट करता है। ऑफ कोर्स राइट नाउ उनका गुस्सा है कि हमारे प्रधानमंत्री को उन्होंने कुछ बोला, विच इज नॉट राइट। आई मीन, नो कंट्री विद सेल्फ रिस्पेक्ट विल टेक दैट कि हमारे आप हेड ऑफ द कंट्री, यू आर सेइंग समथिंग। सो दैट्स योर फर्स्ट रिएक्शन एंड आई थिंक इट्स अ राइट रिएक्शन। वी इंडियंस आर इगोइस्टिकल एंड नाउ दैट वी हैव अ इकोनॉमी बूमिंग वी फील प्राउड ऑफ इट एंड वी ऑलवेज वॉन्ट टू रिएक्ट कि हमें क्यों कोई गलत कहेगा कि बदबू आती है या कुछ भी हो। सो आई डोंट थिंक दैट्स द राइट एटीट्यूड दैट मालदीव्स हैज टेकन। यस, मालदीव इज अ हाई डेस्टिनेशन बट people will react slowly and steadily and suddenly whatever we are seeing some cancellations is because you are hurt that you cannot talk like this. So there have been cancellations but it's not like this was the total season time and people were just traveling there. But otherwise we are the number one source markets for them. 4 lakh aadmi gaya last year hamare India se, matlab 70% of the economy is on tourism and we are the number one source market post covid. So humne actually if you agar boliye to hum as इंडियंस हमने मालदीव्स को वापस खड़ा किया, लिटरली खड़ा किया। और मालदीव्स के टाइम पे उन्होंने कोविड के टाइम पे बहुत रीच आउट किया, एज टाई हमने एमओयू साइन किया उनके साथ कि हम प्रमोट करेंगे मालदीव्स और आप भी हमारे कंट्री आइए। सो ऑल दिस वर्क हैज बीन डन, इट हैज बीन डन फॉर समथिंग बिकॉज दे वॉन्टेड टूरिज्म फ्रॉम अस। अब अगर आप ऐसे रिमार्क्स करेंगे तो कौन इंडियन जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा। हमें घर में भी कोई कोई बोलता है तो हम, एंड यू कैन टेक क्रिटिसिज्म, आई कैन क्रिटिसाइज एनी वन इन दिस कंट्री बट आई विल नॉट लेट एनी, लाइक इट्स द हस्बैंड एंड वाइफ, यू कैन क्रिटिसाइज योर हस्बैंड बट यू डोंट वॉन्ट एनी वन एल्स क्रिटिसाइजिंग। सो इवन इफ यू वॉन्ट टू क्रिटिसाइज आर ओन गवर्नमेंट, वी डोंट टेक इट फ्रॉम अदर्स, इट्स गोइंग टू हैव अ रिएक्शन फॉर श्योर। मैम, आपकी एसोसिएशन सबसे पुरानी एसोसिएशन अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर आप लोगों की बातचीत वहां पर भी होती होगी। अभी जो पूरा सिनेरियो चल रहा है, क्या वो आप लोगों से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? वहां के जो एजेंट्स है, वहां के जो होटल्स है या जहां पर भी आप लोग की वो रहती, क्या आर दे कॉन्टेक्टिंग यू, आर दे सेइंग दे डिडंट मीन यू, इस तरीके की जो बातें सामने आ रही है? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एज अ मैटर ऑफ लास्ट नाइट ओनली आई गॉट अ लेटर फ्रॉम द बोट एसोसिएशन ऑफ देयर एंड विच इज अ ह्यूज, बोटिंग इज वहां पे बहुत है क्योंकि आपको पता है वाटर स्पोर्ट्स मालदीव्स में बहुत है। उन्होंने हमें चिट्ठी भेजी है कि दे आर एब्सोल्युटली डिनाउंसिंग द होल थिंग, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस एंड एनी वन हू हैज स्पोकन इज ऑन अ पर्सनल लेवल, बट पर्सनल और नो पर्सनल दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे हैव नो राइट टू कंडेम एनी कंट्री एंड अ कंट्री विच हैज बीन अ एलाय टू देम ऑल देयर लाइव्स। सो आई थिंक द रिस्पेक्ट नीड्स टू कम फ्रॉम विदिन टू रिस्पेक्ट समवन, इट इज नॉट कि आज है और कल नहीं है। सो आई थिंक दे नीड टू टेक बैक द वर्ड्स एंड यू नो एंड नॉट रिएक्ट टू इट। एंड ऑफकोर्स इंडिया इज अ ब्यूटिफुल कंट्री, वी हैव लॉट ऑफ डेस्टिनेशंस टू एक्सप्लोर एंड प्रमोट, सो व्हाई ओनली मालदीव्स देन? ठीक है मैं, क्योंकि ऑफकोर्स आप इस बिजनेस में है तो आप इस चीज को ज्यादा बेहतर समझ सकती हैं। जिस तरीके से अब आप देख रहे हैं कि इंडिया में भी बाहर घूमने का, मतलब स्पेशली मालदीव्स, मॉरिशस, ऐसी जो आसपास की जगह, यहां इन सब जगहों को तमाम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसे में अभी आप बोल रहे हैं कि फर्स्ट रिएक्शंस लोगों के आ रहे हैं, लेकिन अगर ये इम्पैक्ट लॉन्ग टाइम रहता है तो आपको लगता है कि इंडिया का नुकसान नहीं होगा, मालदीव्स का नुकसान होगा? क्योंकि उनकी तो आधे से ज्यादा जो इकोनॉमी है वो पूरी टूरिज्म पे है और इंडिया सबसे पास होने के नाते शायद सबसे ज्यादा लोग भी वहां जाते होंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। फिर से हम, ये अगर लॉन्ग टर्म रहेगा तो इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा। आई डोंट थिंक इंडियंस विल ट्रैवल बिकॉज लाइक आई सेड एवरीवन वांट्स टू ट्रैवल वेयर दे गेट रिस्पेक्ट। अगर हमें वो कंट्री रिस्पेक्ट ही नहीं देगी हम क्यों जाएंगे? और ये तो है नहीं कि दैट्स द ओनली कंट्री वी कैन ट्रैवल टू। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रिसेंटली तो हम लोग बात कर रहे थे रीजनल टूरिज्म की एंड एवरी डेस्टिनेशन विच इज विद इन द फ्लाइट ऑफ ले 4 to 5 hours हम कह रहे थे कि इनको हम ले लें इकट्ठा कि कोविड आए ना आए, कोई जियो पोलिटिकल वॉर हो, कुछ भी हो, पॉलिटिक्स हो, एटलीस्ट हम आपस में मिलजुल के रहे और हमारा टूरिज्म बढ़ना चाहिए। पर अगर ऐसा रिएक्शन आएगा नेबरिंग कंट्री से तो ऑब्वियसली उनको तो फर्क पड़ेगा। और आज जो इंडिया की इकोनॉमी है और जो इंडिया पे लोगों की नजरें टिकी हुई हैं, ऑब्वियसली वी दे आर आवर फ्रेंड्स, दे विल टेक आवर साइड। ठीक है, इट्स ऑलवेज अ डिविजन बट देन वी नीड टू स्टैंड ऑन आवर ओन राइट्स टू से दैट वी नीड टू बी रिस्पेक्टेड फॉर वॉट एवर वी आर। ठीक है, एंड वी हैव लॉट्स ऑफ डेस्टिनेशन सो वी वॉन्ट टू ट्रेवल आउट बिकॉज आज सबके पास डिस्पोजेबल इनकम है, इवन द मिडिल इनकम ग्रुप इज मूविंग अप, सो वी हैव डिस्पोजेबल इनकम, वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज outside India and lots of them coming within India with infrastructure getting better, with everything getting better, the last mile connectivity being there. So I think, you know, we have 90,000 flights a month, domestic flights a
month in India. So what better way to travel than within our country? Of course, we can't say we can't travel out, or we should not have any inbounds also. But you know, it has to go parallelly. And there are a lot of destinations internationally to travel to. ठीक है, regional tourism की हम बात करें तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि अभी हमने देखा कि जब पीएम मोदी लक्षद्वीप गए हैं और उसके बाद से लगातार गूगल ट्रेंडिंग में सर्चेज में लक्षद्वीप रहा है, क्योंकि आप इस बिजनेस की हैं, आपको क्या लगता है कितनी अपॉर्चुनिटी है लक्षद्वीप में? क्योंकि अंडमान एक ऐसे जगह है जो एक्सप्लोर्ड है, जहां पर लोग जाते हैं. लक्षद्वीप में अभी भी बहुत कम लोग पहुंचते हैं, बहुत सेरेन ब्यूटी है. तो कितना अपॉर्चुनिटी आप वहां पर देखते हैं और क्या जरूरत रहेगी लक्षद्वीप को और डेवलप करने के लिए? आई थिंक बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं वैसे तो इंडिया में, एंड लक्षद्वीप बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर सडनली कमिंग टू फोकस, एंड पीपल ये सुन रहे हैं न्यूज में सारा दिन, तो उनको भी लग रहा है कि ये है क्या, क्योंकि कई उन्होंने लक्षद्वीप का नाम भी नहीं सुना होगा और कई उन्होंने सोचा होगा कि हम जा ही नहीं सकते, बिकॉज देर इज अ यू नीड क्लियरेंस एंड यू नीड स्पेशल क्लियरेंस टू गो देयर. सो दैट्स ऑल राइट. सो पीपल आर नाउ स्टार्टेड टू हैव इंटरेस्ट, बट एक जगह को ऊपर करने के लिए और एक जगह को बहुत फेमस करने के लिए देर आर टू थ्री थिंग्स आर नीड टू कम इन टू द, ऑफकोर्स फ्लाइट्स को ज्यादा बढ़ना पड़ेगा. वी नीड टू टेक केयर ऑफ द प्रिस्टीन बीचेस. हम ये तो है नहीं जाके वहां पे ओवर टूरिज्म कर दे और उसको स्पॉइल कर दे, और देन इट कैन नॉट कम्पीट विद एनी इंटरनेशनल बीचेस वेयर देयर सो मच टू डू. सो आई थिंक वी नीड टू जस्ट सी, एक तो हमारी कनेक्टिविटी बढ़े, एक हमारा वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेटर हो, होटल्स ज्यादा आए, एंड यू नो इट कैन बी अ हाई एंड डेस्टिनेशन फॉर आर इंडियंस टू. सो दैट्स द वे इट कैन बी, बट ऑफकोर्स वी नीड टू कीप द सस्टेनेबिलिटी पार्ट वेरी मच इन फोकस टू सी दैट इज डिलीवर्ड एट द बेस्ट एंड. And there are a lot of options. We can do, you know, water sports. We can make wildlife sanctuary. There are so many tribes there. Tribal tourism aa sakta hai. So it's a sustainability in the whole model. And of course, inclusiveness has to be a part of it. ठीक है, तो जो लोग कह रहे हैं कि मालदीव्स छोड़ो और आओ लक्षद्वीप, तो आपको लग रहा है हो सकता है बिल्कुल हो सकता है. तो ये थी हमारे साथ ज्योति जी, जो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि फिलहाल जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, इसका इम्पैक्ट अगर लंबे समय तक रहेगा तो मालदीव्स को इसका घाटा ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि उनकी 70% इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म पे डिपेंड करती है और इंडियंस बहुत ज्यादा वहां पर जाते हैं. ऐसे में अगर कोई किसी भी जगह जा रहा है तो बेसिक चीज है रिस्पेक्ट, तो वो डिजर्व करता ही है, क्योंकि वो वहां पर पैसे खर्च करके जा रहा है, एंजॉय करने के लिए जा रहा है. अगर रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो जाहिर तौर पर ये सेंटिमेंट लोगों के दिल में अगर ज्यादा लंबे टाइम तक रहा तो उसका भुगतान मालदीव्स को करना पड़ सकता है.